हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग्स विद आरके एंड मैं हूँ खुशबू। कैसे हो आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज मैं लेके आई हूँ इस वीडियो में कुछ शॉपिंग जो मैंने लास्ट कुछ दिनों में की थी। तो मैं धीरे धीरे अपने सारे जो भी पैकेट्स हैं उनको अनबॉक्स करूँगी और आपको रिव्यू दूंगी कि ये प्रोडक्ट कैसे हैं, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है जो न्यू हो। मैं सब कुछ पहले भी मंगा चुकी हूँ, ये सेकेंड टाइम ऑर्डर था। एक चीज़ है, एक मैंने रैक मंगाया था, वो मेरा फर्स्ट टाइम था एंड मैं उसको यूज़ भी कर रही हूँ काफ़ी टाइम से। तो मैं बताती हूँ वो कैसा है, अगर आपको भी नीड हो तो आप भी इन प्रोडक्ट्स को मंगा सकते हो। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं सारे प्रोडक्ट्स को ओपन कर लेती हूँ, फिर मैं एक साथ सब कुछ बताऊँगी कि ये क्या क्या है। एंड एक ये था, ये जो मेरा रैक है ये ओपन ही था क्योंकि मैं इसको यूज़ कर रही थी जस्ट अभी। मैंने वीडियो के लिए मैंने इसको डिसमेंटल किया है। ये इस तरह से तीन ट्रे हैं एंड ये कुछ पाइप हैं, ये कुछ पाइप हैं जो ये जिससे ये कनेक्ट होता है, कि इस तरीके से है। तो मैं इसको कनेक्ट करके बताती हूँ एक बार। फर्स्ट ये जो पार्ट है ये सबसे ऊपर वाले ट्रे है, ये इस तरीके से कनेक्ट हो चुका है। और अब बस इसमें इसके लास्ट जो है ये लगाने का। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। और मुझसे एक गलती हो गई, जब मैं ये सब कुछ अनबॉक्स कर रही थी तो मैं कैमरा ऑन करना भूल गई। और फिर मैं सब कुछ जब मैंने अनबॉक्स कर लिया तो मैंने देखा तो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं थी। तो चलिए कोई बात नहीं, जो भी अब सब कुछ खुल चुका है तो मैं एक एक करके आपको सारे प्रोडक्ट बताती हूँ। तो ये है मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने किचन के लिए एक रैक मंगाया था। ये देखिए, ये रैक मंगाया था क्योंकि शेल्फ पे जो है कुछ कुछ सामान रखने के लिए, लाइक मैंने पहले भी बोला था कि यहाँ पे कुछ भी अलमीरा वगैरह नहीं है, शेल्फ नहीं है, तो मैं इसको स्लैब पे ही रख देती हूँ। और छोटे मोटे जो भी सामान होते हैं लाइक अचार हो गया, नमक हो गया, काला नमक, वाइट नमक, या जो भी छोटा छोटा सामान हमें इंस्टेंटली चाहिए होता है, तो उस सब सामान को रखने के लिए मैंने यहाँ ये रैक मंगाया था। एंड ये काफ़ी अच्छा है, इसका मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है और ये जो इसका कलर वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है। मैं इसको लास्ट 1 मंथ से यूज़ कर रही हूँ एंड मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। तो अगर आप भी ये मंगाना चाहते हैं तो ज़रूर मंगाइए। मैंने ये अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, मेरी सारी जो भी शॉपिंग है सब अमेज़ॉन की है। ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था और ये मुझे कुछ 235 रुपीज़ का पड़ा था एंड ये काफ़ी अच्छा है। एंड उसके बाद है मेरा सेकेंड प्रोडक्ट जो कि है ये डायपर्स। और मैं हमेशा से, मतलब मैंने स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं आइडिया था कि कौन से डायपर्स अच्छे होंगे। मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा, मतलब मैं दो लोगों पे ज़्यादा भरोसा करती हूँ, मैंने उन लोगों से पूछा तो उन्होंने मुझे मिमी पोको पैंट का बोला था, दोनों ही लोगों ने। तो हमने, मतलब बाय चांस हुआ कि जब हम शॉपिंग करने गए बेबी के लिए तो हमें वहाँ मिमी पोको पैंट ही मिला और हमने वो ले लिया न्यूबॉर्न बेबी वाला। तो वो हमने यूज़ किया करीब 2-3 महीने तक। और उसके बाद फिर जब थोड़ा सा हमें भी आइडिया हो गया कि क्या प्रॉब्लम आती है डायपर्स में, क्या नहीं आती है, तो फिर हमने दूसरे डायपर्स यूज़ किए। लाइक मैंने ऑलमोस्ट दो जो भी बड़ी बड़ी ब्रांड है मैंने सारी यूज़ की है। एंड मुझे लास्ट में ये पैम्पर्स जो है बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसका जो डायपर होता है वो बहुत मोटा नहीं है, बहुत ही पतला जैसा है, तो बेबी के लिए भी कंफर्टेबल होता है क्योंकि जब उसमें यूरिन बार बार आएगा तो वो बहुत मोटा हो जाता है। और ये इतना पतला नहीं, इतना पतला है कि
इसमें अगर वो भर भी जाते हैं तो बहुत ज्यादा मोटा नहीं होता है और ये काफी अच्छा है। थोड़ा सा आपको बाकी डायपर्स से थोड़ा सा कॉस्टली लगेगा, बट यार बच्चा जिसमें कंफर्टेबल रहे वही चीज़ अच्छी होती है। तो मैं इस पर ट्रस्ट करती हूँ एंड ऑलमोस्ट फाइनली मैंने इसी डायपर को पसंद किया और हम लास्ट 1 ईयर से यही यूज़ कर रहे हैं पैम्पर्स। और अभी मेरे बेबी को जो साइज बन रहा है वो है लार्ज साइज और ये डायपर काफ़ी अच्छा है। आप भी अपने बच्चे पे एक बार जरूर यूज़ करके देखिए। आप छोटा पैकेट ले सकते हैं, लाइक आजकल 2 की पैकिंग भी आती है और 7-8 वाले पैक भी आते हैं जो 100 रुपीज़ का पड़ता है, तो आप वो भी मंगा सकते हैं और फिर आप खुद देखोगे कि उसमें कितना डिफरेंस है। ये बहुत अच्छा है, पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया और एक बार आप भी यूज़ करके देखो। बस ये है कि इसको टाइम टू टाइम चेंज करना होता है, लाइक 3 to 4 आवर्स के बाद, 5 आवर्स के बाद आप यूज़ कर सकते हैं। एंड इसका एक और है प्रीमियम नाइट्स वाला, वो काफ़ी अच्छा है। वो डायपर आप लाइक रात में लगा दो तो फुल नाइट वो बेबी के लिए रहेगा, कम्फर्टेबल है वो डायपर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा। तो ये रहा डायपर, ये हो गई डायपर की बात। एंड उसके बाद एक ये मैंने मंगवाया था कॉर्न स्टार्च, घर में कुछ कुछ बनाते रहते हैं तो उसके लिए किचन के लिए मैंने कॉर्न स्टार्च मंगवाया था। वो भी मैंने ये भी ऑनलाइन ही मंगाया था अमेजोन से और ये पड़ा था मुझे, ये थोड़ा सा महंगा पड़ा था मुझे बाकी से, ये 250 के अराउंड पड़ा था मुझे, ये देख सकते हो आप कॉस्ट। एंड फिर जैसे कि आपको पता है मेरी छोटी बेबी है तो कभी भी लाइक कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए और खाना पूरा होता नहीं है, तो वो नमकीन बिस्किट या कुछ भी चीज़ है वो फिर ऐसी ओपन पड़ी रहती है और वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बरसात का सीज़न है, वैसे भी सील जाता है दोबारा से यूज़ नहीं हो पाता है। तो मैंने ये एयर टाइट कंटेनर मंगाए थे ऑनलाइन और ये काफ़ी अच्छे हैं। ये 6 का पैक है, ये 6 का पैक है और ये मुझे कुछ पड़ा था 409 रुपीज का। और इसकी जो हाँ जी ये 500 ml का कंटेनर, ये एयर टाइट कंटेनर है। कुछ भी सामान आपको रखना है, लाइक खाना भी बच जाता है या फिर बच्चे का कुछ नमकीन बिस्किट या जो भी सामान है वो आप इसमें रख सकते हैं। एंड आपको कहीं लाइक कहीं कुछ ले जाना है, लिक्विड टाइप चटनी हो गया, दाल हो गई, कुछ भी लिक्विड है, तो वो इसमें बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, इस बात की गारंटी है। इसके लिए मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। ये इसमें मैंने एक बाउल में पानी लिया है, मैंने इसमें डाल दिया, आपको इसमें ये पानी दिख रहा होगा, ये काफी अच्छा कंटेनर है एंड मैं काफी टाइम से इसको यूज कर रही हूँ। मैं ऑफिस भी, मेरे पास इसी टाइप का कंटेनर था जो मैं ऑफिस लेके जाती थी, तो आप भी अगर इस तरह का कुछ ढूंढ रहे हो तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हो और इसकी कॉस्ट भी काफी ठीक है, अफोर्डेबल है ये। तो ये हो गए मेरे 6 कंटेनर। एंड जो मेरा ये एक लिक्विड सिंदूर है, ये कलर बार का, कलर बार का ये लिक्विड सिंदूर है। एंड मैंने रेड कलर मंगाया था, मुझे रेड कलर ही पसंद है सिंदूर में, तो ये रेड कलर का सिंदूर है। एंड ये भी मुझे काफ़ी अफोर्डेबल था, ये मुझे पड़ा था 116 का, 116 रुपये का पड़ा था और जो मरून वाला था उसकी कॉस्ट थी 125, बट मुझे रेड पसंद है तो मैंने ये रेड वाला ऑर्डर किया था। जो मेरा लास्ट प्रोडक्ट है वो है ये मामा अर्थ का आफ्टर बाइट रोल ऑन और ये काफ़ी अच्छा है। ये मैंने अपने बेबी के लिए मंगाया है, मामा अर्थ के प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे। बरसात का मौसम है, में काफ़ी कीड़े वगैरह होते हैं छोटे छोटे एंड हमें पता नहीं चलता है वो कब बच्चे को काट लेते हैं, है ना, तो बच्चों को फिर काफ़ी इरिटेशन होती है एंड रेड जैसा निशान बन जाता है जो कि फिर बहुत गंदा लगता है।
तो फिर मैं बताती हूँ कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये जो है इस तरह की पैकेजिंग में आता है एंड काफ़ी कॉम्पैक्ट है, ये छोटा सा है और ये इस तरह से रोल ऑन है, तो जहाँ पर भी बेबी को निशान है या कुछ भी है आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से थोड़ी देर करके छोड़ दीजिए, तो जो है वो आगे बहुत ज़्यादा रेडनेस जो है उसकी कम हो जाएगी और जो इरिटेशन ईचिंग है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड इसकी प्राइस है, इसमें 249 रुपीज़ है, बट ये मुझे ऑफर में कुछ 200 समथिंग का पड़ा था। तो अगर आपके बच्चे को भी इस तरह से कभी कुछ काट लेता है या कुछ भी इस तरह के से आपको लगता है कि आपको इसकी नीड है तो आप ज़रूर ऑर्डर कीजिए, ये काफ़ी अच्छा है। तो ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग, जो भी एसेंशियल आइटम्स थे घर के लिए मुझे नीड थे मैंने ऑर्डर करके ऑनलाइन अमेजोन से मंगवाए थे। और अगर आपको इसमें से कुछ किसी भी चीज़ की नीड है तो आप भी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हैं। और अगर ये मेरा छोटा सा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आगे मेरे चैनल पे अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाऊंगी एंड कुछ रेसिपी शेयर करूंगी मैं आप लोगों के लिए। और अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, लव यू।